गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम सिंह, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश. फॉर मोर न्यू वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. सो बुक फर्स्ट रेनबो में क्लास 12th का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 9th नंबर पे, उसका टाइटल है अ वॉक थ्रू द फायर. एक आग के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने की यात्रा. अब ये पैदल चलने की यात्रा किसने करी और आग के एक छोर से दूसरे छोर तक ये कैसे हुआ, तो इसके लिए हम अपनी कहानी से गुजरते हैं, थ्रू होते हैं. द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक इन द लॉफ्ट व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स अ 7 ईयर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया. राइटर कहता है कि एक शाम की बात है, मैं अपना जो ट्रंक था, फौजी जो बक्सा था, जो कि टांड, लॉफ्ट का मतलब होता है टांड, पहले कमरे जो वार्डरोब्स वगैरह नहीं होती थी, तो कमरों के ऊपरी जो हिस्से होते थे छत से थोड़ा नीचे से पहले, तो पत्थर की जो स्लैब लगा के वहां पर सामान रखने की जो जगह बनाई जाती थी उसको कहते थे लॉफ्ट यानी कि टांड. तो राइटर कहता है कि शाम की बात है, वो एक टांड के ऊपर रखा हुआ उसका जो लोहे का बक्सा था, उस लोहे के बक्से में जो सामान थे उनकी सॉर्टिंग कर रहा था, उनकी छटाई कर रहा था, कि उसी बीच में उस सामान की छटाई करते समय उसकी नजर एक खाकी रंग के जो फौजी कदमताल करने की एक्सरसाइज करने की जो पैंट होती है स्लैक्स, उसके ऊपर उसकी नजर पड़ती है. राइटर कहता है अ 7 ईयर ऑफ माय आर्मी डेज इन इंडिया. राइटर कहता है कि ये उसका एक स्मृति चिन्ह है, 7 ईयर यानी कि स्मृति चिन्ह. ये स्मृति चिन्ह उसको याद दिलाता है उसके उन फौजी दिनों की जो उसने भारत में बिताए थे. तो यानी कि राइटर एक फॉरेन राइटर है और उसने इंडिया में जो अपने दिन बिताए, और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वो ब्रिटिश आर्मी में था और जब वो इंडिया में उसकी पोस्टिंग थी तो उस दौरान उसको ये खाकी पजामा ये पैंट दी गई थी जिसको पहन के वहां पे वो ड्रिल किया करते थे, कदमताल एक्सरसाइज किया करते थे. तो अचानक जब वो अपने टांड पर रखे हुए बक्से में चीजों की छटाई कर रहा था तो अचानक उसकी नजर अपने इस स्मृति चिन्ह पर पड़ती है. नथिंग अनयूजुअल इन दैट. हालांकि इस खाकी रंग का जो पजामा था, पैंट था, इसके अंदर कोई भी अस्वाभाविक बात नहीं थी, आई सपोज, बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इश्यू टॉपिकल किट केयरफुली प्रिजर्व्ड. लेकिन राइटर कहता है कि इसमें थोड़ी सी एक खास बात यह हो सकती है कि ब्रिटिश जो आर्मी होती है, ये जो ट्रॉपिकल एरिया में यानी कि जो गर्म इलाकों में जाने वाली ब्रिटिश सेना की टुकड़ी है, उनको ही ये खाकी कलर के पजामे ये पैंट्स दिए जाते हैं. तो ये उसकी एक यादगार है जिसको उसने बड़ा प्रिजर्व करके संभाल करके रखा है. एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 ईयर्स. और 20 साल गुजर चुके हैं राइटर को अपनी नौकरी छोड़े हुए, अपनी फौज की जॉब छोड़े हुए, लेकिन उस 20 साल में भी ये साबुत और एकदम अच्छी फ्रेश तरीके से पड़ी हुई है. एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न्ड ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलॉफ्ट ओवर ए फायर. राइडर कहता है बाकी का पूरा जो पैंट है वो तो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन के अंदर है, लेकिन सिर्फ उसके जो नीचे के पाइचे है यानी टखने के पास वाला जो पैंट के नीचे का आखिरी हिस्सा होता है, वो इस कदर जले हुए हैं और इस तरीके से जले हुए हैं कि उनको देखकर साफ लगता है कि किसी आदमी ने डेलिबरेटली जानबूझकर इसको, ये जो पांव वाला हिस्सा है, इसको जानबूझ के किसी ने आग के ऊपर रख के जलाने का प्रयास करा है. इन फैक्ट दैट वॉज नियर एनफ व्हाट हैड हैपेंड टू देम. राइडर कहता है बिल्कुल सही भी है कि अगर इस पैंट को देखकर यह लगता है कि किसी ने जानबूझकर आग के ऊपर लटका के इनको निचले हिस्से को जलाया है, तो यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है. यह जरूर ठीक है कि उस पैंट को देखकर यह लगता है कि किसी ने जानबूझ के जलाया है, लेकिन किस कदर जानबूझ के जलाया और क्यों जलाया है, क्या वाकई में जानबूझ के जलाने का प्रयास किया गया है, तो राइटर कहता है कि उसके लिए तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं. इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947 व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन एट ए सैपर कैंप एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट. तो राइटर कहता है कि उसे अपने उन दिनों की याद आती है जब 1947 की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग के मंथ थे, और जो राइटर था उसका जो तबादला था, उसका जो स्थानांतरण था, पदस्थापन था, वो पदस्थापन एक मिलिट्री का जो इंजीनियर्स का कैंप होता है उस इंजीनियर्स की छावनी में किया गया था. और ये जो ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी थी, ये हैदराबाद जो कभी राजा महाराजाओं के राज्य हुआ करते थे, तो उस टाइम भारत का एकीकरण नहीं हुआ था, इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तो अलग से जो रियासत थी हैदराबाद की, उस हैदराबाद की रियासत में बेगमपेट नाम की एक जगह थी, वहां पर ये फौजी इंजीनियर्स की टुकड़ी थी, साइबर कैंप, और वहां पर राइडर का पदस्थापन किया गया था.
एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद वेयर आई हैड अ डिलाइटफुल मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट। राइटर कहता है कि तो वो अपनी इस छावनी से जो कि बेगमपेट में थी हैदराबाद रियासत में, वहां से सिकंदराबाद के नजदीक एक छोटी सी जगह थी कोई, वहां पर एक छोटा सा कस्बा था सिकंदराबाद का, वहां पर किसी काम से गया था और जब वो वहां से लौट रहा था तो शाम के समय उसने रास्ते में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बड़ा लजीज खाना खाया। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड। और राइटर कहता है कि उस चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते टाइम मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं पूरी दुनिया के साथ बड़े भाईचारे और प्यार से जी रहा हूं। राइटर ऐसा क्यों कहता है? राइटर इसलिए कहता है क्योंकि ये 1947 की स्टार्टिंग की बात है, अभी अभी जस्ट कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ब्रिटेन और अमेरिका और जो रशिया और इटली और फ्रांस की सेनाएं थी, इन्होंने कई देशों में जाके जो नाजी जो जर्मनी आर्मी थी उसका मुकाबला करा था अफ्रीका में, ट्यूनिशिया में और दुनिया भर के देशों में। तो राइडर कहता है कि अब भी कुछ साल पहले की बात है कि पूरी दुनिया हर देश एक दूसरे से लड़े बैठा था, लेकिन आज राइटर जो कि एक ब्रिटिशर है, ब्रिटेन में रहता है, उसकी पोस्टिंग इंडिया में एक एशियन कंट्री में है और वहां पर बैठकर वो एक दूसरे एशियन कंट्री यानी चाइना के आदमी का कोई रेस्टोरेंट खोला गया है, वहां चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता है। तो वो कहता है कि जब तीन देशों का यहां पर संगम हो रहा है तो उसको देखकर बड़ा आनंद महसूस होता है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया बड़ी शांति और प्यार से जी रही है, यानी सब ठीक हो चुका है। I had reached a point where the road such as it was divided and as I was swinging into the left hand fork towards the camp I caught a glimpse of something in the headlights over on the right hand fork। राइडर यहां से अपनी फौजी जीप में सवार होकर यानी सिकंदराबाद के जिस छोटे कस्बे के पास में वो आया था, तो सिकंदराबाद के जिस छोटे से कस्बे में आया था वहां से अपने फौजी ट्रक में सवार होकर राइडर वापस बेगमपेट में अपनी जो फौजी छावनी है और उसका जो सैपर इंजीनियर का कैंप है वहां की तरफ रवाना होता है। उसकी जो गाड़ी है वो सड़क की एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां पर सड़क वाई शेप में बाइसेक्टिंग है, दो हिस्सों में निकल रही है। यहां पर राइट हैंड साइड जा रही है और ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। राइडर अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड टर्न करता है, अचानक उसकी जो गाड़ी की रोशनी है उस रोशनी में इस राइट हैंड साइड पर यहां पर उसे कोई चीज पड़ी भी दिखाई देती है। तो राइडर की नजर जैसी उसके ऊपर दिखाई पड़ती है, द हेडलाइट्स ओवर ऑन द राइट हैंड फोर्क, दिस वॉज ए लिटिल मोर देन अ कार्ड ट्रैक विच लेड टू द स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा। राइटर कहता है कि उसे इस रास्ते पर यानी जो राइट हैंड साइड की तरफ रास्ता जा रहा था जो कि कोई बड़ी पक्की चौड़ी सड़क नहीं थी बल्कि एक बैलगाड़ियों के जाने का रास्ता था, ये राइट हैंड वाली रोड जो कि फिरोजगुड़ा नाम के गांव की तरफ जा रही थी। तो राइटर को इस जगह यहां पर कुछ पड़ी हुई कोई चीज दिखाई देती है। I stopped the truck and reversed it back along the road until the headlight shone across to where something had first attracted my attention. तो राइडर कहता है कि उसने यहां लेफ्ट मुड़ती जो अपनी गाड़ी है उसको दोबारा पीछे की तरफ लिया। उसने तब तक अपने ट्रक को पीछे लेता रहा जब तक कि उसकी लाइट की रोशनी यहां पर नहीं पड़ी और यहां पर जो चीज थी जिसने सबसे पहले उसका ध्यान आकर्षित करा था उसकी पूरी हेडलाइट अब उसी डायरेक्शन की तरफ थी। And I was just in time to see shadowy figures disappearing like mad across the rough ground. लेकिन जैसे ही इस अजीब चीज की तरफ उसकी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी, यहां पर उसने देखा कि कुछ लोगों की जो परछाइयां है वो बड़ी तेजी से गाड़ी की लाइट की रोशनी से दूर भागने का प्रयास कर रही थी। Whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time। राइटर कहता है कि मेरे को पता नहीं कि वो कौन लोग थे लेकिन जो भी कोई लोग थे उनका जो प्रयास था वो केवल इतना था मेरी गाड़ी की हेडलाइट से जितना जल्दी दूर हो सके वो भागने का प्रयास कर रहे थे। यानी जैसे ही उसकी राइटर की गाड़ी की हेडलाइट यहां पर पड़ी वो सारे के सारे उठकर वहां से तेजी से भागने लगे। So I let them get on with it because I could not see what appeared at the first sight to be a bundle of white clothing on the ground, but what on closer inspection turned out to be an elderly Indian। लेकिन राइटर कहता है कि मैंने भी उन लोगों का पीछा नहीं करा, मैंने उन लोगों को बाहर जाने दिया क्योंकि असल में जिस चीज ने मुझे रोका था, जो चीज पहले मुझे सफेद कपड़े का एक गट्ठर सा एक पोटली सी दिखाई पड़ रही थी, जब मैं नजदीक जाके गया तो राइटर कहता है कि मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको पहले मैं कपड़े का बंडल समझ रहा था, सफेद कपड़े का बंडल, वो असल में एक वृद्ध भारतीय पुरुष था।
ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल। जो वृद्ध भारतीय पुरुष था वो बिल्कुल निश्चल एकदम स्तब्ध लेटा हुआ था। एंड आई फियर द वर्स्ट। और राइटर को समझा, उसको पहला एहसास ये हुआ कि शायद ये व्यक्ति मर चुका है। बट एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम ही ओपन्ड हिज आइज। लेकिन जैसी राइटर घुटने फोल्ड करके उसके बगल में बैठा, उस नीचे लेट जो चित्त पड़ा हुआ बूढ़ा भारतीय आदमी था उसने आगे खोल दी। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड। बूढ़े आदमी का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बीन डूइंग ए प्रीटी थ्रू जॉब ऑफ पुटिंग द बूट ऑन टू हिम। और कोई भी उस बूढ़े भारतीय आदमी के चेहरे को देखकर बता सकता था कि किसी ने उसके चेहरे को जूते बूट से मार मार कर कुचलने का प्रयास किया गया था। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket as his slags instead of the usual tin of cigarettes. But तो राइडर ये कहता है कि ये लाइफ में पहली बार नहीं है जब उसने रिग्रेट करा। उसने बड़ा पछतावा प्रकट करा कि काश वो एक अच्छा, एक बहुत ही अनुशासित फौजी होता। क्योंकि राइडर ये कहता है कि जो अनुशासित फौजी होते हैं वो अपनी पैंट के अंदर, जो उनको एक अलग से एक्स्ट्रा जेब लगाई जाती है फौजियों की पैंट में, जिसके अंदर हमेशा एक मेडिकल किट रखी जाती है। लेकिन जो हमारा राइडर है वो क्या रखता है, वो एक टीन का डब्बा रखता है सिगरेट का। आजकल जो सिगरेट्स होती है वो गत्ते के डब्बे में आती है, लेकिन पहले इस टाइप के डब्बे चला करते थे। जैसा ये डब्बा, इसके ऊपर लिखा है कैवेंडर्स, एक पुरानी सिगरेट थी बहुत पहले, अभी भी चलती थी लेकिन कुछ टाइम पहले बंद हो गई। और ये लंदन इंग्लैंड में बना हुआ डिब्बा है। तो इस टाइप के लोल गोहे के टीन के डब्बे हुआ करते थे। तो राइडर कहता है कि मैं इतना अनुशासित फौजी नहीं हूं। यानी राइडर ये कहता है कि उसको बड़ा अफसोस हुआ कि अगर वो अनुशासित फौजी होता तो आज उसकी पैंट की जेब के अंदर इस सिगरेट के टीन के डब्बे की जगह एक ड्रेसिंग किट होती, मरहम पट्टी का सामान रखा होता, तब वो इसकी मदद कर सकता था। बट नॉट बींग ए गुड सोल्जर आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंडकरचीफ। तो राइटर कहता है कि क्योंकि मैं तो अच्छा फौजी कभी रहा ही नहीं, कि इतना अच्छा अनुशासित फौजी हूं कि हर एक फौजी का जो जरूरी सामान है वो साथ में लेके चलूं। तो मैं तो जितना भी कुछ कर सकता था वो ये था कि मेरी जेब के अंदर एक बड़ा सा रुमाल पड़ा था और उससे मैं उस वृद्ध व्यक्ति की जितनी मदद कर सकता था मैंने की। And when I had managed to clear the blood from his face, I could see that he was indeed a very old Indian. और राइटर कहता है कि जब मैंने अपने उस रुमाल से उसके पूरे मुंह के खून को अच्छी तरीके से साफ कर दिया, तब मुझे पता चला कि वो वाकई में एक बहुत ही वृद्ध भारतीय पुरुष था। And I was beginning to get more than a little worried. और जब राइटर को एहसास हुआ कि वो आदमी बूढ़े से भी कहीं ज्यादा बूढ़ा है, यानी राइटर ने जितना बूढ़ा होने का अंदाजा लगाया था वो आदमी उससे भी ज्यादा बूढ़ा है, तो अब राइटर को वाकई में उस नीचे लेटे हुए भारतीय पुरुष की ज्यादा चिंता हुई। He had evidently taken a severe beating and I didn't want to move him because I did not know what internal injuries he might have. तो राइटर कहता है कि जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा था कि वो जो भी लोग मारने वाले थे उनके आगे जानबूझकर, ये जो बूढ़ा आदमी था जमीन पर पड़ा हुआ था और जानबूझकर उनकी खतरनाक मार को सह रहा था। तो इसीलिए राइटर कहता है कि अब तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको उठाकर अपनी जीप तक लेके जाता, क्योंकि क्या पता कौन सी गुम चोटे, अंदर हड्डी वगैरह में कोई खराब चोट लगी हो, मैं उठाऊं उससे वो चोट कहीं और ज्यादा बिगड़ जाए। On the other hand, I did not feel I could leave him where he was while I drove on to the camp for help. Writer कहता है लेकिन दूसरा जो रास्ता था जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो भी मुझे नहीं जच रहा था। Writer कहता है मुझे ये भी ठीक नहीं लगा कि मैं इसको यहाँ पर पड़े रहने दूँ और वापिस अपने सैपर कैंप जाऊँ, फौजी कैंप, और वहां से डॉक्टर और नर्सिंग असिस्टेंट इन सबको लेके आऊँ। तो राइटर कहता है मुझे ये भी सही नहीं लगा। In fact, I did not know what to do and on that he stood up. क्वाइट सिंपली लाइक दैट इज स्टूड अप। लेकिन राइटर कहता है कि मेरे दिमाग में उधड़बू नहीं चल रही थी कि मैं इसका क्या करूं, उठाऊं कि डॉक्टर को लेके आऊं, कि अचानक जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ी सरलता से उठ के खड़ा हो गया। राइटर कहता है बिल्कुल सरलता से उठ के खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड। राइटर कहता है कि वो बूढ़ा आदमी इतनी सरलता से उठ के खड़ा हो गया कि मैं तो जमीन पर अभी भी आलता पालती मार के बैठा था। एंड व्हाइल आई वॉज hastily trying to muster my sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was already gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. और राइटर कहता है कि वो तो खड़ा हो गया एकदम से, तो उसने मुझे पहला झटका तो तब दिया कि मैं जिस आदमी को मरणासन समझ रहा था कि ये तो मर ही जाएगा, वो इतनी जल्दी और इतने सही तरीके से खड़ा कैसे हो गया। लेकिन चलो खड़ा हो गया कोई बात नहीं। अब जो राइटर था अपनी टूटी फूटी जो हिंदी का ज्ञान था उसको इकट्ठा कर रहा था कि हिंदी मैं कैसे इससे पूछूं कि क्या भाई साहब बिल्कुल ठीक हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपने हिंदी के टुकड़ों को इकट्ठा करता,
तो राइटर कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने एक और झटका दे दिया, उसने मुझे एक शानदार बिना किसी अटके धारा प्रवाह अंग्रेजी में, उसने समय में जो ठीक समय पर मैंने जो दखल दिया इस मारपीट के बीच में, उसके लिए उसने मुझे अंग्रेजी में धन्यवाद दिया। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनकोरेजियस they sound coming from a ragged barefoot Indian whose worldly possessions seemed to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his dhoti. तो राइटर कहता है कि ये ही शब्द उसने यूज करे जो शब्द मैं यहां पे लिख रहा हूं, टाइमली इंटरवेंशन। उसने अंग्रेजी तो बोली लेकिन अंग्रेजी के भी उसने बहुत सटीक वर्ड यूज करे, यानी सही समय पर दखल। राइटर कहता है कि आप समझ सकते हो कि कितना हास्यास्पद था, कितना अचंभित करने वाला था एक ऐसे भारतीय के मुंह से इतने गंभीर अंग्रेजी के शब्द सुनना, जिसके कपड़े चीथड़े चीथड़े में फटे थे, जो नंगे पांव था और एक ऐसा हुलिये वाला आदमी था जिसको देखकर साफ लग रहा था कि इस आदमी के जेब में जो भी पैसे होंगे वो तो इसने अपनी धोती के किसी पल्ले में बांधे हुए होंगे। तो ऐसा आदमी जो इतना पिछड़ा हुआ दिखाई देता हो वो इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, तो राइटर के लिए दूसरा झटका था। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths, but he had not suffered too greatly at their hands because he had known that I would be coming along shortly and would stop. फिर उसके बाद में, इससे पहले कि राइटर अपने अचंभे से बाहर निकलता, उस भारतीय आदमी ने अपनी बातें आगे जारी रखते हुए बताया कि जो असाइलेंट जो हमलावर थे उसको मारने वाले वो दो जने थे और वो एंग्लो इंडियन यूथ थे, यानी वो भारतीय नवयुवक जो अंग्रेजी माहौल में पढ़े लिखे और अंग्रेजों के जैसे भाषा यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो है इंडियन, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल ब्रिटिशरी समझते हैं। तो वो दो ऐसे आंग्ल भारतीय युवा थे जो उसे मार रहे थे, लेकिन उस आदमी ने लेखक को यह बताया कि वो दो युवा उसका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ पाए, क्योंकि राइटर ये वो वृद्ध आदमी ये कहता है कि मुझे पता था कि आप यहां से गुजरोगे और मेरी मदद जरूर करोगे। And he had therefore covered his face with his hands and pretended to be unconscious. चूंकि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता था कि आप यहां से गुजरोगे और मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं जानबूझकर जमीन पर लेटा उनकी मार खा रहा था और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप कर बेहोश होने का, अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा था। When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside, so I did not press the point. राइटर कहता है मैंने पूछा कि वो दो आंगली भारतीय हुआ तुम्हें क्यों मार रहे थे, तो जो वृद्ध व्यक्ति था उसने इस तरीके से राइटर के सवाल को दरकिनार कर दिया कि जाहिर सी बात है वो उत्तर नहीं देना चाहता, तो राइटर ने भी इस सवाल पर ज्यादा दबाव नहीं दिया। I then asked him how he had known that I would come to his rescue, but the only reply I got to this question was some things are known to all sahib, others to only a few, or words to that effect. तो राइटर कहता है कि मैंने दूसरा सवाल उससे पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं यहां से गुजरूंगा और आपकी मदद करने के लिए रुकूंगा, तो राइटर कहता है कि उसका भी जवाब उसने बड़े पहेली बुझाने वाले तरीके से दिया, उसने मेरी बात को केवल यह कह के साइड में हटा दिया कि साहेब कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पता होती हैं। तो राइटर कहता है कि मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन इससे ज्यादा उसने कुछ समझाया भी नहीं। I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English when he stopped me in my tracks by remarking how the body is covered or is of no importance compared with how the mind behaves. Writer कहता है कि अभी मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ ही रहे थे, मैं कोई तिकड़म वाला तरीका निकाल रहा था कि कोई तिकड़म बिड़ाऊं और इस आदमी से पूछूं कि ये जो शानदार ब्रिटिश इंग्लिश आदमी बोलता है ये उसने किस तरीके से सीखी, लेकिन इससे पहले कि राइटर कुछ पूछता उस बूढ़े आदमी ने उसके इस विचार को भी लगाम लगा दी। उसने कहा कि शरीर किसी आदमी का किस प्रकार के कपड़ों से ढका है, महंगे कपड़ों से कि सस्ते कपड़ों से, धुले कपड़ों से कि गंदे कपड़ों से। उसने कहा साहब इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि उस आदमी का मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, यानी किसी के कपड़ों से उस आदमी के बारे में कोई भी बात या कोई भी कॉन्क्लूजन पर पहुंचना बहुत ही गलत बात है। किसी भी आदमी के मन की दिमाग की पहचान उसके कपड़ों से नहीं की जानी चाहिए।
Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck. Writer कहता है कि ये जो बाकी की सारी बातचीत है ये राइटर और उस वृद्ध भारतीय आदमी के बीच तब हुई जब राइटर ने उस आदमी को अपनी ट्रक में लिफ्ट दी उसकी जगह तक जहां उसे जाना था. I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for, and as this turned out to be Ferozguda, which was no far out of my way. तो राइटर कहता है कि उसने सिर्फ मेरे एक ही सवाल का सटीक और सीधा जवाब दिया. वो सीधा जवाब ये था कि मैंने उससे पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कहां जा रहा था और उसने वही राइट हैंड साइड का जो गांव था सड़क जो जारी थी फिरोजगुड़ा उसी का नाम लिया. तो राइटर कहता है कि फिरोजगुड़ा का जो गांव है वो मेरे सैपर कैंप के रास्ते से ज्यादा दूर नहीं था. आई हैड इनवाइटेड हिम टू हॉप इन एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. तो जब राइटर को यह पता चला कि उस आदमी को फिरोजगुड़ा ही जाना है तो राइटर ने उसे कहा कि भैया ये ब्रिटिश आर्मी का सरकारी ट्रक मेरे पास है ही, कृपया करके इसमें आराम से बैठो और जो तुलनात्मक आराम तुम्हें मिलेगा पैदल पैदल जाओगे, इससे बढ़िया तो मेरे सरकारी ट्रक में बैठो और मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा. और उस बूढ़े आदमी ने वो बात मान ली. We soon reached his destination, whereupon he thanked me once again and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned next time we met. जैसे ही वो लोग फिरोजगुड़ा पहुंचे तो वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में से उतरा और उतर कर उसने राइटर को धन्यवाद दिया और उसने ये भी कहा कि साहब आपका ये रुमाल धोकर साफ करके मैं आपको जब वापिस करूंगा जब अगली बार हम मिलेंगे. I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting when he did not even know how I was or which part of the huge sapper camp I was in, but before I could begin he had faded into the night. Writer कहता है कि मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे को साफ बात तो पहला झटका ही लगा. मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने कैसे इस बात का अंदाजा लगाया कि अगली बार हम कब मिलेंगे. वो तो मेरा नाम भी नहीं जानता और जो बेगम पेट में जो सैपर कैंप है उसमें तो हजारों लाखों फौजी है, वो इतने सारे फौजियों में मुझे कैसे पहचानेगा. अभी तो रात के अंधेरे में उसने मेरा चेहरा भी ढंग से नहीं देखा. लेकिन इससे पहले कि राइटर उस बूढ़े भारतीय आदमी से कुछ कहता वो आदमी रात के अंधेरे में कहीं धीरे से ओझल हो गया. As a few weeks later, my posting came through to General Headquarters at New Delhi. Writer कहता है कि कुछ दिन यहाँ पर ये घटना इस तरीके से निकल गई. वो इस विचित्र भारतीय आदमी से मिला और वो रात के अंधेरे में ओझल हो गया और किसी भी सवाल का जवाब राइटर उससे पा नहीं पाया. लेकिन कई इस घटना के सप्ताह निकलने के बाद में राइटर के पास में नई पोस्टिंग का ऑर्डर आया. उसे कहा गया कि न्यू दिल्ली में जो ब्रिटिश आर्मी का हेडक्वार्टर है जो मुख्यालय वहां पर उसे नई जगह पोस्ट किया जा रहा है. एट द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव coincided with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp. लेकिन राइटर कहता है कि ये सौभाग्य की बात है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन उसे सुबह निकलना था उससे जस्ट एक रात पहले उसका जो ब्रिटिश सैपर कैंप था इंजीनियर्स का वहां पर कनाडा से नई नई टीन के डब्बों में बंद हुई हुई नई बियर आई थी. तो ये सब फौजियों के लिए जश्न का समय था. इट ऑल्सो कोइंसिडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ अ रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस लेड बाय जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ. राइटर कहता है कि लेकिन इस शानदार ये जो नई नई आई हुई कैनेडा की बियर थी इसके साथ साथ एक और उल्लेखनीय एक ट्रुप एक दल आया था भारतीयों का जिसकी अगुवाई कोई प्रोफेसर राव नाम के व्यक्ति कर रहे थे और प्रोफेसर राव और उनका ये जो ट्रुप ये जो दल है ये शारीरिक क्षमता के अद्भुत फीट्स यानी कि जो कर्तव्य है उसको दिखाने के लिए इन अंग्रेजों के बीच में प्रसिद्ध था. एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट द टाइम एंड देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर वॉज समथिंग नॉट टू बी मिस. तो राइटर कहता है कि 1947 के टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी आर्मी नहीं थी जो अपने सिपाहियों के मनोरंजन का ध्यान रखती थी. तो 1947 में पहली बार ये ऐसा हो रहा था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें कोई जो वेलफेयर ऑफिसर यानी जो सिपाहियों का फौजियों का कल्याण अधिकारी है उनका सामाजिक व्यवहार पे जो नजर रखता है उसने अपने सिपाहियों का मनोरंजन करने के लिए ये ट्रुप बुलाया था और उसने वो बियर भी मंगाई थी. तो राइटर कहता है कि ऐसा मौका कौन फौजी मिस करना चाहेगा, कौन चूकना चाहेगा. सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली we went along to watch it. तो अच्छी तरीके से बियर पीने के बाद और जश्न मनाने के बाद हालांकि राइटर कहता है उन्होंने कोई समझदारों की तरह नहीं पिया, अंधाधुंध पागलों की तरह पिया और पूरी तरीके से धुत होने के बाद में वो लोग उस खेल को देखने के लिए कर्तव्यों को देखने के लिए आगे बढ़े. इनफैक्ट
इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी, बट आफ्टर ए व्हाइल लाइक एवरीवन एल्स दे आर वी स्टेड टू वंडर। राइटर कहता है कि पहले जो हम नशे में धुत सिपाही थे वो सब गए थे इन भारतीयों के कर्तव्य दिखाने वालों का मखौल उड़ाने के लिए, उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए, लेकिन जब कर्तव्य दिखाने शुरू किए गए तो राइटर कहता है मैं और जितने भी ब्रिटिश फौजी वहां पर खड़े थे वो सारे के सारे स्तब्ध खड़े रह गए इस तरीके के जबरदस्त शक्ति, शारीरिक शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन किए गए। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। राइटर कहता है कि आगे जो कुछ भी हुआ वो वाकई में एक अद्भुत प्रस्तुति थी। When we arrived, the professor who looked nothing like a strong man had just called for 12 volunteers from the audience whose task it was to band an iron bar around his neck. Writer कहता है कि सबसे पहले जब हम प्रोफेसर राव के पास पहुंचे तो पहला ही कर्तव्य प्रोफेसर राव खुद दिखाने वाले थे और उन्होंने हम जो ब्रिटिश सिपाही थे उनमें से 12 सिपाहियों को स्वयं सेवक के तौर पर बुलाया। इन 12 सिपाहियों को यह करना था कि लोहे का एक सरिया लेकर प्रोफेसर राव की गर्दन पर टिकाकर उसे पूरी ताकत से मोड़ना था। अगर प्रोफेसर राव की गर्दन मजबूत होगी तो सरिया मुड़ जाएगा, लेकिन अगर प्रोफेसर राव की गर्दन मजबूत नहीं हुई तो गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द मिडिल ऑफ इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रॉट। राइटर कहता है कि 12 फीट का लंबा एक सरिया यहां पर जो फौजी इंजीनियर्स का कैंप था वहां बड़े आराम से स्टोर में था वहां से उपलब्ध करा दिया गया। प्रोफेसर राव उस सरिये को अपने गले पर इस तरीके से आड़ा लगाकर खड़े हो गए और उसको धक्का देकर पीछे करके बैंड करना था। ही देन अरेंज द वॉलंटियर सिक्स ऑन ईदर साइड ऑफ हिम। फिर उसके बाद में प्रोफेसर राव ने 6 सिपाही सरिये के इस छोर पर खड़े करे और 6 सिपाही इस सरिये के छोर पर खड़े करे। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर बिगेन टू पुश विद ऑल देयर माइट एंड द आयरन बार वॉज बैंड इनटू अ यू शेप अराउंड हिज नेक। फिर प्रोफेसर राव का इशारा पाते उन सारे सिपाहियों ने दोनों तरफ से जोर लगाया और इस सरिये को यू की आकृति में मोड़ दिया प्रोफेसर की गर्दन पर टिका के, लेकिन प्रोफेसर की गर्दन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो यह पहला कर्तव्य था, शारीरिक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था जो प्रोफेसर राव ने दिखाया। अदर फीट्स फॉलोड, इसके बाद दूसरे अन्य कर्तव्य दिखाए गए। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वॉज एन अनफॉर्गेटेबल एंड बिफोर ही परफॉर्म इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले कि प्रोफेसर राव अपने प्रोग्राम का सबके अपने खुद के प्रोग्राम का अंत का कर्तव्य दिखाएं, उससे पहले जो फौजी का जो सैनिक कल्याण अधिकारी है वो सैनिक कल्याण अधिकारी अपने सभी इन ब्रिटिश फौजियों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये जो आखिरी कर्तव्य है इसको दिखाने की आज्ञा प्रोफेसर राव को तभी दी गई है जब उन्होंने एक दस्तावेज साइन करके दिया है। प्रोफेसर राव से पहले एक दस्तावेज साइन करा गया है, उस दस्तावेज में यह लिखा है कि अगर इस अंतिम कर्तव्य को दिखाते समय प्रोफेसर राव के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो ब्रिटिश आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ब्रिटिश आर्मी कोई मुआवजा नहीं देगी। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट। यही सैनिक कल्याण अधिकारी की शर्त थी और इस दस्तावेज पर, इस शर्त पर साइन करने के बाद ही प्रोफेसर राव को एक कर्तव्य दिखाने की आज्ञा दी गई। A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle formed by the audience, which was the only stage the professor used. इसके बाद में एक 5-ton का army truck, पहले 95 से पहले जो भी आर्मी के ट्रक होते थे उनको हॉर्स पावर या और किसी कैपेसिटी से नहीं बल्कि उनके वजन उठाने की क्षमता से नाम रखे गए थे। 1-ton ट्रक हुआ करता था, 2-ton होता था, 3-ton होता था, और यहां पर जो प्रोफेसर राव थे उन्होंने एक 5-ton वजन उठाने की क्षमता वाला ट्रक मंगाया और उस ट्रक के चारों तरफ जो ब्रिटिश सिपाही थे वो उसको घेर कर खड़े हो गए। राइटर कहता है कि यही इकलौता मंच था जिसको प्रोफेसर राव यूज करते थे, यानी प्रोफेसर राव किसी जादूगर की तरह ऊंचे सजीले मंच पर नहीं चढ़ते थे बल्कि वो धरातल जमीन पर सच्चाई पर, हकीकत पर टिककर अपने कर्तव्य दिखाते थे। He lay down under the truck so that his chest was in line with one of the rear wheels and an old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp up with the truck could be driven. फिर प्रोफेसर राव पहले जो पुराने जमाने में नैरो ट्रैक हुआ करते थे रेलवे की पटरी, इन दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए एक नीचे लोहे का पटरा लगाया जाता था, एक प्लेट लगाई जाती थी जिसको स्लीपर कहते थे। अब इसकी जगह सीमेंट की स्लैब लगाई जाती है, सीमेंटेड स्लैब लगाई जाती है।
तो प्रोफेसर राव ने ऐसी एक पटरा एक स्लैब मंगाई, उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से जमीन पर लेट गए खुद कि जो ट्रक है उस ट्रक के जो दो पहिए हैं तो आगे वाला पहिया तो इधर निकल जाएगा लेकिन पीछे वाला पहिया उनकी ठीक छाती की सीट पे था और वो वहां पे आगे लेट गए। द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेक। उसके बाद में फटाफट ट्रक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और ये जो यहां पर पटरा बिछाया गया था इसके ऊपर पहिए को बिल्कुल लगा के खड़ा कर दिया गया। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउडेड क्राउड इन टू इट। उसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेसर राव ने ट्रक के अंदर जितने फौजियों को वो चढ़ा सकते थे उतने फौजियों को ठूस ठूस के चढ़ाया गया और फिर इस ट्रक को इस छोर से दूसरे छोर तक यानी प्रोफेसर राव की छाती के ऊपर रखे पटरे के ऊपर से गुजारते हुए दूसरी तरफ ले जाया गया। यानी ट्रक तक 5 टन वजन चढ़ के उनकी छाती के ऊपर से निकल गया लेकिन प्रोफेसर राव की छाती की एक पसली चटकी तक नहीं। There was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. जो राइटर था उसने एक चीज नोटिस करी कि सारे के सारे जो कर्तव्य दिखाने वाले लोग थे वो प्रोफेसर राव के साथ कर्तव्य दिखाने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बिजी थे लेकिन प्रोफेसर राव के दल का केवल एक बूढ़ा ऐसा आदमी था जो इन सारे समय में किसी भी कर्तव्य में साथ नहीं दे रहा था बल्कि इसी समय वो ग्राउंड में थोड़ी सी दूरी पर एक 10 फीट लंबी और एक 3 फीट जो चौड़ी है एक खंदक एक गड्ढा खोद रहा था जमीन में एक लंबा सा गड्ढा बना रहा था। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स वेट फ्रॉम द कुक हाउस। उसके बाद में जो प्रोफेसर राव अपना गाड़ी वाला कर्तव्य दिखा के फ्री हो चुके थे या ये कर्तव्य कर रहे थे उस बीच में उस बूढ़े आदमी ने इस पूरी खोदी हुई 10x3 की खंदक को बाबरची खाना जो आर्मी का था वहां से मैस में से लाल लाल जो गर्म जलते हुए अंगारे थे उनसे लाकर पूरा इस खंदक को भर दिया। There was no funny business about this fire trench either. We gathered around it and the heat from it was intense. Writer कहता है कि गाड़ी छाती पे से निकालना सरिया गर्दन पे से मरोड़ना ये थोड़ा सा फनी थोड़ा सा मजाकिया लगता है लेकिन ये गर्म अंगारों वाला जो कर्तव्य होने वाला है ये वाकई किसी भी एंगल से मजाकिया नहीं लग रहा था क्योंकि जब फौजी उस खंडक के चारों तरफ खड़े हुए तो जो दहक अंगारों की आ रही थी वो वाकई में उनके बदन को चुभ रही थी। द इंडियन रेदर एन एंडरली जेंटलमैन देन स्टूड at one end of the trench splashed water from the nearby bucket over his bare feet and then proceeded to walk over the red hot coals along the whole trench or whole length of the trench. उसके बाद में जो बूढ़ा आदमी था वो इस 10 लंबी फीट जो की साइड है इस अंगार की इस खंदक के पास इधर खड़ा हुआ बाल्टी से पानी लिया अपने पाव पे छपाके मारे और फिर इस कोने से इस कोने तक 10 फीट की पूरी लंबाई तक नंगे पांव उस अंगारों के ऊपर चलता हुआ गया। It was an incredible spectacle. Writer कहता है कि बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाला नजारा था। We could see the low flames from the red hot coals licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trench. क्योंकि राइटर कहता है कि अद्भुत और हैरत अंगेज करने वाला नजारा इसलिए था कि जब भी उस बूढ़े आदमी के नंगे पांव अंगारों के ऊपर पड़ते तो उसके पांव के नीचे से नंगे पांव के नीचे से अंगारों में से लाल लाल आग की लपटे निकलने लग जाती और इसको देखकर सारे जितने भी फौजी खड़े थे उनके दिल इस नजारे को देखकर दहल जाते। When he reached it, as if not satisfied, he turned around and walked back the same way. लेकिन यहां से वहां तक जाने के बाद ऐसा लगा कि वो बूढ़ा आदमी मानो संतुष्ट नहीं हुआ, वो पलटा और वापस फिर 10 फीट की दूरी को पार करके यहां से वहां तक वो इन अंगारों के ऊपर चल के वापस ठीक वैसे आया जैसे वो पहली बार गया था। He then squatted down on the ground, gestured to his feet, and invited us all to inspect them. लेकिन फिर इतना ही नहीं, यहाँ पर ज़मीन पर आलती-बालती मार के वो हिंदुस्तानी बैठ गया और अपने पाँव फौजियों की तरफ कर दिए और इशारा करके उन सबको बुलाया कि आओ मेरे पाँव का निरीक्षण करो। We did, सारे सिपाहियों ने करा, and there was not so much as a blister anywhere to be seen. लेकिन जलने की बात तो दूर है, उसके तलवे पर एक फपोला भी दिखाई नहीं दे रहा था। I had pushed forward through the crowd to
गेट ए क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट। तो राइटर भी फौजियों की भीड़ को चीर कर इस अद्भुत प्राणी के पांव को देखने के लिए आगे बढ़ा। एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड। लेकिन जैसे ही राइटर घुटने मोड़ के उस बूढ़े आदमी के पांव का निरीक्षण परीक्षण करने पास बैठा, उसने महसूस करा राइटर ने कि किसी ने उसके हाथ में कोई चीज ठूस दी है। इट वॉज ए हैंडकरचीफ। राइटर ने देखा ये एक रुमाल था और तुरंत उसने उस रुमाल को पहचान लिया, ये उसका खुद का रुमाल था। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। और उसी क्षण जैसे राइटर ने अपने रुमाल को पहचाना, उसने उस कर्तव्य दिखाने वाले बूढ़े आदमी को भी पहचान लिया कि वो वही आदमी था जो उसे सड़क किनारे मिला था। He had looked at me once briefly as he passed the handkerchief to me, but when I went to speak to him, he looked away again, so I kept my mouth shut. Writer कहता है कि हम दोनों की नजरें मिली, उसने मुझे पहचान लिया और मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ बात करने के लिए मुंह खोला, उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मैं समझ गया कि इस समय वो लोगों के सामने मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो राइटर ने भी अपना मुंह बंद रखा। If he wanted to pretend that he did not understand English, then that was all right by me. Writer कहता है कि हो सकता है कि ये बूढ़ा भारतीय अपने सारे इन साथियों और फौजियों के सामने अपने अंग्रेजी जानने के रहस्य को नहीं खोलना चाहता, तो राइटर कहता है मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. इससे भी बढ़कर ये बात थी कि बूढ़े आदमी का ये समय था तारीफ सुनने का। जितने भी ब्रिटिश फौजी चारों तरफ खड़े थे जो पहले इन लोगों की खिल्ली उड़ाने आए थे, अब वो उस बूढ़े आदमी के कर्तव्य की ढेर सारी तारीफ कर रहे थे और जाहिर सी बात है बूढ़े आदमी को यह सुनने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो राइटर क्यों उसको बीच में डिस्टर्ब करे। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5-ton truck एंड He came over to say in halting English that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. This, तो राइटर कहता है कि इस समय जो प्रोफेसर राव थे वो अपने ट्रक के कर्तव्य का पूरा सामान समेट गए और तैयार होकर वापिस से दोबारा इन सिपाहियों के सामने पहुंच चुके थे और अपनी अटकती हुई लड़खड़ाती हुई अंग्रेजी में उन्होंने इन सारे ब्रिटिश सिपाहियों को बताया कि अब जो ये कर्तव्य दिखाने वाला आग का कर्तव्य दिखाने वाला आदमी है, ये आप में से किसी एक स्वयंसेवक को अपने साथ जो इस कर्तव्य में हिस्सा लेना चाहे वो उसे आग की सैर कराने को तैयार है। This of course produced a big laugh. राइटर कहता है निश्चित तौर पर इस प्रपोजल इस प्रस्ताव को सुनकर सारे ब्रिटिश फौजी ठहाका लगाकर हंसने लगे, बट आई डिड नॉट ज्वाइन इन। लेकिन राइटर ने अपने साथियों का साथ नहीं दिया। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच ऑल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर। राइटर कहता है कि हालांकि डर की जुजुरी मेरे बदन में दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी जिस समय प्रोफेसर राव ने प्रस्ताव दिया, मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं वो ब्रिटिश फौजी हूं जो आग के इस दरिया पर पैदल चलने के लिए स्वयंसेवक बनने के लिए तैयार है। I walked over to the fire walker and stood in front of him. तो राइटर एक स्वयंसेवक के तौर पर आगे बढ़ा और उस कर्तव्य दिखाने वाले के आगे जाके खड़ा हो गया। He placed his hands upon my shoulders and said very quietly, so that none but myself could hear, when you put aside your boots, sahib, put aside your fear, the fire will not harm you. राइटर अब उस कर्तव्य दिखाने वाले हिंदुस्तानी के मुंह के आगे मुंह करके फेस टू फेस करके दोनों खड़े थे। उस बूढ़े भारतीय आदमी ने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ राइटर के दोनों कंधों पर रखे और इतना आहिस्ता से फुसफुसाकर बोला ताकि कोई दूसरा ना सुन सके, और उसने राइटर को कहा कि भाई साहब या साहब, जब आप अपने जूते उतारने जाओ तो अपने जूते के साथ आग और अंगारों का जो डर है कृपया उसको भी उतार के आना। मैं गारंटी देता हूं आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। I sat down on the ground and took off my gaiters, boots and socks. Strangely enough, having done this, I no longer felt afraid, only intensely curious. Writer कहता है मैंने बूढ़े आदमी की बात मानी, नीचे बैठा और सबसे पहले अपने gaiters खोले। Gaiter leather के बने हुए पट्टे होते हैं, इसमें इस तरीके से belt होती है जैसे पुराने बस्तों में हुआ करती थी school bag में। फिर इस gaiter को क्या करते हैं, जूते पहली बात तो जो army boots होते हैं वो पहली यहां से ऊपर की तरफ से long होते हैं, लेकिन लॉन्ग होने के बावजूद इसके ऊपर इस पट्टे को पांव पे बांध लिया जाता है ताकि जो पैंट होती है वो आधी बूट में चली जाती है और आधी इन गेटर्स के अंदर बन जाती है। तो ना तो पैंट कहीं कांटों और झाड़ियों में जंगल के टाइम में उलझती है जब फौजी जंग के मैदान में बैटल ग्राउंड में या फिर कहीं जंगल में ड्रिल एक्सरसाइज करने जाते हैं, और दूसरी बात जो जहरीले सांप वगैरह होते हैं उनकी काटने की जो रेंज होती है वो यहीं तक होती है, क्योंकि जो सांप अपना फन उठा लेता है तो वो इतना ही लपक सकता है। तो ये जो गेटर्स होते हैं वो इन सारी चीजों से बचाव करते हैं और प्लस पैंट को भी कहीं उलझने से रोकते हैं।
तो राइडर ने अपने गेटर्स खोले, ये पट्टा खोला, जूते खोले और अपने जुराब खोले। राइडर कहता है कि बड़े ताज्जुब की बात है, अपने जूते जुराब उतारने के बाद मेरा जो डर था मन का, आग का, जो पहले बदन में ठंडे पसीना और झुरझुरी छूट रहा था, अचानक वो कहीं चला गया। अब राइडर के मन में एक ही चीज थी और वो था एक गहरी उत्सुकता कि आगे क्या होने वाला है। आई वॉक अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच एंड द फायर वाटर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन। राइडर कहता है कि अपने डर को त्याग कर और मन में जिज्ञासा भर के मैं सीधा जाकर उस आग पर चलने वाले कर्तव्य दिखाने वाले के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने बाल्टी में से पानी लिया, मेरे पानी पांव पर छपाके मारे और फिर खुद के पांव के ऊपर छपाके मारे। He then spoke to me very softly and told me to close my eyes and think out of green fields and the peaceful English countryside। उसके बाद पानी के छपाके मारने के बाद उस बूढ़े भारतीय ने जो कर्तव्य दिखाने वाला था उसने अपनी धीमी और शालीन आवाज में राइटर को बड़े प्यार से कहा कि बाबूजी जब आंखें बंद करो तो आंखें बंद करके अपने ब्रिटेन के जो गांव के सुंदर हरे भरे नजारे हैं उन हरे सुंदर भरे नजारों को याद करना, ना कि लाल लाल अंगारों को याद करना। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री ले एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स। राइटर कहता है कि कुल मिला के उस भारतीय ने मुझे सजेशन दिया कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे अपने देश के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, उसके हरे भरे रास्तों और हरे भरे खेतों के बारे में ये इमेजिन करना है और मुझे इमेजिन करना है कि मैं इन हरे भरे खेतों और बगीचों के पास सड़क में कहीं टहल रहा हूं। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी विद हिज बैक टुवर्ड्स मी एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स। उसके बाद में जो बूढ़ा आदमी है वो राइडर के आगे पीठ पड़के खड़ा हो गया। राइडर का मुंह अब उस कर्तव्य दिखाने वाले की पीठ की तरफ था और जो कर्तव्य दिखाने वाले की पीठ थी वो राइडर के मुंह की तरफ थी। फिर उसके बाद में उसने राइडर को कहा कि अपने दोनों हाथ मेरे कंधों के ऊपर रख लो जैसे कोई किसी अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। He repeated his instructions to me once more and then with eyes closed and concentrating hard on green fields I felt him begin to move slowly forwards। राइटर कहता है कि एक बार चलने से पहले उस भारतीय ने अपने दिशा निर्देश फिर दोहराए कि साहब जब आंखें बंद करो तो अपने देश के बारे में सोचना, हरे भरे मैदानों के बारे में सोचना। और राइटर ने ठीक वैसा ही किया। जैसी राइटर ने आंखें बंद करी तो उसने अपने आप को गहरा अपने देश के हरे भरे खेतों और अपनी पुरानी यादों में डुबा दिया। तब उसे हल्का सा झटका महसूस हुआ और तब उसे पता चला कि ये जो आदमी था कर्तव्य दिखाने वाला वो अब इस आग की तरफ, अंगारों की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन राइटर ने अपने गहरे विचारों में अपने मन को धक्का दे दिया और अपने देश के हरे भरे मैदानों और खेतों के बारे में सोचने लगा। I was back in England। राइटर ने ठीक ऐसा महसूस करा जैसे मानो वो वाकई में, हकीकत में अपने देश पहुंच चुका हो। To be precise, I was walking along the Rockfield Road just outside Monmouth near Henry Park। वो ये कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक ऐसा महसूस किया जैसे जो रॉकफील्ड नाम की सड़क है जो मैनमथ जगह पर हेनरी पार्क के बाहर बनी है, मेरे को लगा बिल्कुल मैं उस सड़क पर पहुंच चुका हूं। It was a stretch of road which I had walked along many times when I was living at Rockfield near early पार्ट ऑफ द वॉर। राइटर कहता है कि विश्व युद्ध शुरू होने से पहले मुझे याद है कि मैं रॉकफील्ड में रहता था और इसी रॉकफील्ड पे जो इलाके में रहता था और इसी सड़क पर जो हरी भरी मैदानों के दोनों तरफ हरे भरे मैदान और बीच में सड़क है, इस सड़क पर ये जो लंबी सी सड़क है इस पे अक्सर टहला करता था। ऑन ईदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स। राइटर को याद आता है कि किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ हरे भरे मैदान और खेत है लहलाते हुए। एंड द सीन वॉज इनफाइनेटली पीसफुल। और ये जो नजारा था वो बिल्कुल चरम शांति से भरा हुआ था। It was a lovely summer day and I could feel the warmth of the sun's rays penetrating my clothing. राइटर को याद आता है कि किस तरीके से वो गर्मियों के सुहावने दिनों में धूप का सेक आनंद लेता हुआ यहां पर सड़क पर टहला करता था और सूरज की जो मध्यम गुनगुनी धूप होती थी वो कपड़ों के अंदर अपनी स्किन पर महसूस किया करता था। क्योंकि इंग्लैंड बहुत ठंडा कंट्री है और बहुत सारे जो ठंडी कंट्री है वहां पे लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में धूप सेकते हैं। हमारे जैसे इंडिया जैसे देश के लोगों के लिए तो बहुत अजीब बात है कि धूप कैसे कोई सेक सकता है, वो भी गर्मियों में। धूप तो सर्दियों में सेकी जाती है, लेकिन असल में ये कंट्री सर्दी और बरसात में यहां पर धूप निकलती नहीं है। तो गर्मियों में जब धूप निकलती है, अभी भी करंट में इंग्लैंड की हालत है कि भले ही बीमारी फैल रही है लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा धूप निकलती है तो लोग सड़कों पर निकल जाते हैं और गार्डन में जाके लेट जाते हैं धूप सेकने के लिए। तो राइटर उन सारी बातों को याद करता है और यहां तक कि वो इतना गहरा डूब जाता है अपने विचारों में कि उसको वो सूरज की गर्मी भी महसूस होती है जो वो कभी पुराने टाइम में किया करता था। My mind was wonderfully and completely at rest and never before nor since have I achieved that state of mind। हमें यहां पर इस कहानी को पढ़ते टाइम याद रखना है कि राइटर अब फर्स्ट से रिटायर हो चुका है और उसको 20 साल हो चुके हैं
ये कहानी एक फ्लैशबैक में है, उसकी पुरानी यादों पर आधारित है। तो राइटर कहता है कि मेरा दिमाग उस समय जब मैं यहां चल रहा था, अपने देश के बारे में सोच रहा था, मेरा दिमाग पूरी तरीके से और एक अद्भुत तरीके से पूरी तरीके से शांति में था। और राइटर कहता है इस दिन की घटना के बाद से लेकर आज तक 20 साल बाद तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेरे दिमाग ने इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना मैंने उस दिन किया था अंगारों पर चलते समय। Suddenly, I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cloud. तो थोड़ी देर पहले जो राइटर है वो ये महसूस कर रहा था कि वो लंदन में अपने इंग्लैंड में अपनी कंट्री में सुने हरे भरे जो खेत हैं वहां पर टहल रहा है और सूरज की जो मंद मंद हल्की मध्यम गुनगुनी धूप है वो अपने बदन पे महसूस कर रहा है। अचानक उसने महसूस करा कि सूरज जो है वो शायद जैसे बादलों के पीछे छुप गया हो, ऐसे उसके बदन में ठंडक लगने लगी। आई ओपन माई आईज, राइटर ने वैसी आंखें खोली एंड आई वॉज बैक। और जैसे ही उसने आंखें खोली वो अपने सपनों में जो इंग्लैंड पहुंच गया था, अचानक वो वापस उसी इंडिया में, उस इंडिया में और उस बेगम पेट पर उसी इंजीनियरिंग कैंप में पहुंच जाता है जहां से उसने ये सपना देखना शुरू करा था। As before, standing behind the fire walker, with my hands still resting upon his shoulder, और अभी भी जो फायर वॉकर था जो आग पर चलने के कर्तव्य दिखाने वाला था वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा था और अभी भी राइटर के जो दोनों हाथ है वो उसकी उसके कंधे के ऊपर टिके हुए थे। तो राइटर को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ही टर्नड अराउंड एंड फेस्ड मी एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच। लेकिन जैसी राइटर की तरफ वो कर्तव्य दिखाने वाला पलटा, उसने अपना चेहरा राइटर के चेहरे की तरफ करा, तब जाके राइटर को ये एहसास हुआ कि वो जिस जगह खड़ा था लेकिन अब उसका चेहरा तो है इधर की तरफ और उसकी पीठ के पीछे है वो अंगारों से भरी हुई खंदक, यानी वो इसको चल के पार भी करके आ चुका है जब वो अपने इंग्लैंड के इन सपनों में कहीं घूम रहा था। We had walked the length of it and back again to our straight point. फिर राइटर ने दोबारा से वो ही करता उस फायर वॉकर ने राइटर से करवाया, वो यहां से दोबारा उसने आके बंद करी और ठीक वापिस वहां तक दोबारा चल के गया। I never saw the फायर वॉकर अगेन। लेकिन इस दिन के घटना के बाद कभी भी राइटर और उस बूढ़े भारतीय का सामना सामना नहीं हुआ। I was completely bewildered by what had happened. राइटर पूरी तरीके से bewildered भौचक्का था जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। And in the excitement that followed and everyone came crowding around me, I lost sight of him. लेकिन जैसी राइटर दूसरी बार इस आग के खंदक को पार करके दूसरे छोर पर पहुंचा, वो जितने भी उसके साथी फौजी थे वो फटाफट उसको घेर के खड़े हो गए और सब के सब उसके पांव का निरीक्षण करने लगे कि कहीं उसके पांव पर जलने या फिर और किसी चीज के निशान तो नहीं है। लेकिन देन आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम। लेकिन राइटर कहता है कि इसी भीड़ भड़के के अंदर उसकी नजरों से बचकर वो आग पर चलने वाला कर्तव्य दिखाने वाला कहीं बच के निकल गया। लेटर वेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माय फीट व्हिच वर कंप्लीटली अनमार्क्ड and I was once again allowed to put my boots on. I went looking for him, but he had disappeared. Writer कहता है पहले तो सारे साथी फौजियों ने एक एक करके उसके पांव का अच्छे से निरीक्षण करा और उसके पांव पर वाकई में किसी भी चोट या घाव के कोई निशान नहीं थे। फिर राइटर ने अपने जूते पहने और चारों तरफ उस हिंदुस्तानी को ढूंढा जिसने आग पर चलने का कर्तव्य दिखाया था, लेकिन दोबारा वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कैंप से कहीं गायब हो गया है। I tackled the professor. ये टॉक्ड है। I talked to the professor about him, but he could not or would not tell me anything. Writer कहता है कि फिर उसने प्रोफेसर से जाके बात करी, लेकिन प्रोफेसर ने कुछ भी उसे बताने से मना कर दिया कि वो उस बूढ़े भारतीय बारे में उस बूढ़े भारतीय आदमी के बारे में उसे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता है। The following day, as soon as it was light, I borrowed a truck and went across to Firozgada to see if I could find him. Writer कि अगले दिन सुबह उठते ही उसे सबसे पहले दिल्ली रवाना हो रहा था, लेकिन उससे भी पहले उसने वहां पर सैपर कैंप से एक ट्रक उधार लिया आर्मी का और सीधा फिरोजगुड़ा गांव पहुंचा उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क एंड फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू डेली। लेकिन राइटर कहता है कि वो एक निरर्थक प्रयास था, यानी कि वो फिरोजगुड़ा गया लेकिन उस आदमी का कोई भी चिन्ह राइटर को वहां पहुंच के नहीं मिला। और कुछ घंटों बाद राइटर दिल्ली के रास्ते में कहीं यात्रा कर रहा था, यानी वो हैदराबाद राज्य छोड़ चुका था और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज ए डी स्मिथ।
अब ये कहानी जो है, पहली बात तो पर्सनल एक इंसिडेंट है, एक आदमी के जीवन की सच्ची घटना है। एक आदमी जो फौजी इंजीनियर हुआ करता था और 1947 के शुरुआती साल के शुरुआत में उसे भारत में पोस्टेड किया गया था, और वो हैदराबाद जो रियासत थी नवाब की, उस रियासत के बेगमपेट में जो इंजीनियर्स का कैंप था, शायद वो रेलवे के जो स्लीपर्स हैं उससे हमें पता चलता है कि शायद वो रेलवे ट्रैक बिछाने वगैरह का काम कर रहे थे। तो वहां पर उसकी मुलाकात एक ऐसे भारतीय से होती है जो एक ऐसा अचंभित करने वाला कारनामा करता है, और केवल कारनामा नहीं करता है बल्कि वो राइटर को उस कारनामे में शामिल करता है, और राइटर से वो ही काम करके दिखाता है जो दूसरों को करते देखते हुए भी उसकी आंखें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो मेन लेकिन टॉपिक बात का ये नहीं है कि ये एक कहानी है, मेन बात ये है कि यहां पर जो एडी स्मिथ है उसने बताया है कि इंडिया के बारे में जो योगा, जो मेडिटेशन, ध्यान के बारे में जो कहानियां कही जाती हैं, जो किस्से सुनाए जाते हैं, वो झूठे नहीं है। राइटर एडी स्मिथ ने ऐसी ध्यान की एक प्रक्रिया को अपनाया, जो बूढ़ा भारतीय था कर्तव्य दिखाने वाला, उसने राइटर को केवल ध्यान करने के लिए कहा था, योग करने के लिए कहा था, और अपने योग में और ध्यान में राइटर एडी स्मिथ इतना डूब गया कि उसे गर्म अंगारों पर चलने का कर्तव्य महसूस तक नहीं हुआ, और जो पांव पर नहीं चलने की है वो एक चमत्कार है। तो राइटर एडी स्मिथ बनाना चाहता है कि जो पुरातन भारत था, पुराने टाइम का जो भारत था, वो चमत्कार, योग और ये दुनिया भर की जो चीजें हैं उनसे भरा पड़ा है, और भारत में ये चीजें वास्तविक सच्चाई होती थी क्योंकि उनमें से एक वास्तविकता का साक्षात्कार खुद एडी स्मिथ का साथ में हुआ। तो इसमें राइटर ने हमें बताया कि जो मेडिटेशन और जो योग ध्यान की जो पद्धति भारत में है वेदों में और शास्त्रों में, वो वाकई में बहुत पावरफुल है, क्योंकि राइटर ने खुद अपनी एक लाइन से कहा है कि जो सुकून, जो शांति उसने उस दिन महसूस करी थी, वो सुकून और शांति उसने कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करी। तो यहां पर योग की, ध्यान की बात हो रही थी, जिसके साथ में राइटर के एक निजी अनुभव की और बहुत एक सुंदर कहानी जुड़ी हुई थी। आई थिंक सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबके साथ वीडियो शेयर करो, अदर स्टूडेंट्स के साथ में भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।